हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने 2023 का इंट्रोडक्शन दिया है कि 2023 आप लोगों के लकी नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपको क्या असर देने वाला है। 2023 को प्लस करते हैं 2023 प्लस करते हैं तो उसका टोटल आता है 7। 7 नंबर जो है उसके लॉर्ड होते हैं केतु। अब केतु के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, फिर आपको मैं बता देती हूँ। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, एक मैलिफिक प्लैनेट है, एक जो है शैडो प्लैनेट भी कहा जा सकता है, जो लोगों को डिटैच कर सकता है, लोगों के अंदर दूरियां बढ़ा सकता है, ट्रांसफर्स करा सकता है, अलग करवा सकता है। जो चीज चली आ रही है उसको छोड़ के लोग नई चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में जो केतु है, ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअल जर्नीज, दिशाहीन जर्नी या दिशाहीन काम, मतलब बिना किसी मतलब के कोई काम कर रहे हैं जो कि उनको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। बिना सोचे समझे जो काम होते हैं वो केतु करने के लिए जो है पीछे से पुश करता है कि ऐसा करो ऐसा करो। इंसान को पता नहीं होता कि वो काम कहां लेके जा रहा है। ऐसे में क्या होता है, इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। अब जब 2023 शुरू हो रहा है तो हम सबके अलग अलग लकी नंबर्स के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि उनके लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लकी नंबर देखना कैसे है। आपके जो शुरू के डेज वाले जो डिजिट हैं आपने उन्हीं को देखना है। 1 to 9 अगर किसी का बर्थडे आता है, किसी भी मंथ में आता है, तो उनका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे उनका बर्थडे होगा। लेकिन अगर 11, 12 या फिर इस तरह से बर्थडे आता है 29, 30, तो उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ जो डेट है उसके डिजिट्स को प्लस कर लेना है और वो आपका बन जाएगा लकी नंबर। बाकी की डिजिट्स मंथ या फिर ईयर को प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, गो वेरी इजी एंड सिंपल वे। कई बार ईयर गलत होता है, मंथ गलत होता है, हा? तो बेटर है आप सिर्फ जो है डेट पे ध्यान दीजिए। इस तरह से आप अपना लकी नंबर निकाल सकते हैं। अब जो है आई हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग फॉर यू सो दैट वी विल नॉट वेस्ट टाइम। टाइम की वेस्टेज नहीं होगी और हम लोग जल्दी से आपको बता भी देंगे क्योंकि बहुत काम है। अब नया साल आने वाला है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो प्रेडिक्टिव साइंसेस में काम करते हैं, हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, तो शुरू करते हैं हम न्यूमरोलॉजिकली आप लोगों के लिए अगला साल क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने के 1st, 10th, 19th या 28th को आता है तो आपका लकी नंबर हुआ 1 और उनके लॉर्ड कौन हुए, सूर्यदेव, सन, जो कि कैसे होते हैं, थोड़े इग्विस्टिक होते हैं और राजा होते हैं, बिल्कुल प्लैनेट्स के राजा होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर भरी हुई होती हैं, शान शौकत और रंगीन मिजाज होते हैं, खर्चीले बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और थोड़े से इग्विस्टिक तो होते ही होते हैं। अब और मैंने 7 नंबर वालों केतु के लिए भी मैंने आपको बताया क्या कैसे कैसे होते हैं। अब जब 7 नंबर केतु जो है दिशाहीन है, स्पिरिचुअल भी है, जो कि सन नहीं होते, 1 नंबर वाले नहीं होते हैं, तो क्या होगा। अब सूर्य जो है भोग विलासी है और केतु जो है वो मोह माया से बहुत ही ज्यादा दूर है, उनका कोई उनसे वास्ता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, लकी नंबर 1 वालों की लाइफ उनके नेचर के मुताबिक नहीं चलेगी, उनको वो सब नहीं मिलेगा ना, उनको तो मिलेगा डिटैचमेंट और भ्रमण करना, ट्रैवलिंग्स, वो सब नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए एक्चुअली। तो उनको थोड़ी सी पैसों की तंगी हो सकती है और उनकी लीडरशिप नहीं चलने वाली।
लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे उनकी, क्योंकि केतु एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है। जब लोग डिटैच ही रहेंगे एक दूसरे से तो कोई किसी की क्यों सुनेगा। जो एक एम्प्लॉई है वो बॉस की नहीं सुनेगा, जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे, हाँ, और जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी की ना सुनेंगे। यानी कि लोगों के अंदर कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन की कमी होगी, डिटैचमेंट रहेगा। ऐसे में जब सूर्य की कोई नहीं सुनेगा, लकी नंबर वाले वन की चलेगी नहीं, तो क्या होगा? तो उनको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी, थोड़ा सा गुस्सा आएगा। और जो है केतु जो है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ उनको मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा लकी नंबर वन वालों पे असर होगा, वो शांत हो जाएंगे, उनको लगेगा हमारी तो चल ही नहीं रही है, तो वो शांत हो जाएंगे और डाउन टू अर्थ होने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स खूब सारे बनेंगे, क्योंकि ईगो नहीं चलेगी तो सबसे दोस्ती हो जाएगी, तो फ्रेंड्स भी बहुत सारे बनेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बट लीडर जो एक होता है ना रिलेशनशिप, वो पक्के होने में थोड़ा मुश्किल है, वो शकल शकल में हलो हाय वाला चलेगा चक्कर। अब हम चलते हैं नंबर दो की तरफ। अगर किसी का जन्मदिन 2/11/20 या 29 को आता है तो उसका लकी नंबर है 2, जिसके कि लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है शांत है, क्रिएटिव है, सेंसिटिव है और जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके लिए कैसा होगा, इनके लिए इस साल खूब क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे ये, इनके व्यक्तित्व में पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे, ये जो चाहेंगे ये सब कुछ कर सकते हैं, वेरी गुड फॉर देम, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली 2 और 7 आपस में फ्रेंड्स हैं जी। अब क्या है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, रिलेशनशिप में भी एडजस्टमेंट्स होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। राइटर्स आर्टिस्ट जो फिल्म एक्टर्स हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखिए क्यों रहने वाला है, आप कहेंगे कि सन के लिए नहीं इनके लिए, तो मैं आपको रीजन देती हूँ ना। 2 नंबर वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, जल्दी दूसरों की बात उनको लग जाती है, दिल पे हर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब क्योंकि केतु का साल है तो वो सेंसिटिव नहीं रहेंगे ना, क्योंकि डिटैचमेंट आ जाएगा, तो कोई कुछ कह भी देगा तो वो हर्ट नहीं होंगे, आप समझे मेरी बात, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका सारा फोकस होगा उनके क्रिएटिविटी की तरफ, इसलिए वो जीत जाएंगे। तो ये साल जो है 2 नंबर वालों के लिए बहुत ही बड़े होने वाला है, इमोशनल होते हुए भी इमोशनल वो हर्ट नहीं होंगे। और अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो कहते ना इंसल्ट फील ही नहीं करेंगे, किसी का जोर का झटका लेंगे ही नहीं, तो उनको ग्रोथ का टाइम पूरा मिलेगा और अटैचमेंट कम होएगी। जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो शादी हो जाएगी, क्योंकि ये इफ्स एंड बक्स नहीं करेंगे, जो पसंद आएगा जिसके साथ मम्मी पापा बांध देंगे शादी हो जाएगी, और इनका गठबंधन इस साल निश्चित है, गुड फॉर देम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिनका जन्मदिन 3/12/21 या 30 को किसी भी महीने में आता है, उनका लकी नंबर हुआ 3 और उनके लॉर्ड हुए जुपिटर गुरु। अब ये लोग जो हैं आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, थोड़े हटी भी होते हैं, अपने उसमें रहते हैं, हम गुरु हैं, होता है थोड़ा गुरूर होता है, गुरु को तो गुरूर होता ही है, और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानते हैं। तो ऐसे में 2023 का जो केतु है वो भी जो है गुरु है, गुरु के पदचिन्हों पे चलने वाला है, क्योंकि स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, चाहे वो ऑकल्ट में है, अब वो ऑकल्ट में तो बहुत निपुण होते हैं। अब इनका असर क्या पड़ेगा 3 नंबर वालों पे, कहते हैं कि केतु जुपिटर के पदचिन्हों पर ही चलते हैं, परंतु यहाँ 3 अंक वाले जो लोग हैं वो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग तंत्र में इनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी अपने को सुपीरियर मानने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी विद्या में इतने डूब जाएंगे, इसलिए इनको सुपीरियरिटी किसी को दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाएं, और रिश्ते नाते उनसे तो वैसे भी डिटैच रहते हैं जुपिटर, कोई ज्यादा इनको लगाव नहीं होता, और ये जरूर है कि इनमें लोगों का लोग इनको सम्मान देंगे। हाँ, ये मोटे हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और इसलिए बिना सोचे समझे कुछ मत खाइएगा पिएगा,
क्योंकि मोटे होने के पूरे चांसेस हैं नंबर तीन वालों के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट 4, 13, 22, 31 इन तारीखों को अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने में आता है तो आपका जो लॉर्ड है वो है राहु, 4 नंबर लकी नंबर। मिथ्या, पद भ्रष्ट, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश, भ्रम पैदा करते हैं, बहुत कुछ देते हैं पर उसके एवज में बहुत कुछ ले लेते हैं। केतु इनके बेटर हाफ है, एज आई टोल्ड यू द स्टोरी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है ये पूरी कहानी कि ये इन्हीं के बेटर हाफ है। अब जब ये 2023 में राहु केतु साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, धमाल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दोबारा से शरारतें शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो एक हो जाएंगे। अब क्या है, केतु जिनको सोचने समझने की सुनने की इंद्रियां है ही नहीं, उनको 4 अंक का राहु मिल जाएगा तो वो अपने प्लान्स को एक्शन देना शुरू कर देंगे। और क्योंकि प्लान्स को एक्शन देने के लिए उनको बॉडी मिल जाएगी ना, राहु को केतु की बॉडी मिल जाएगी, केतु को दिशा दिखाने के लिए राहु मिल जाएंगे। बट इसमें क्या है, आपको बहुत सारे आइडियाज तो आएंगे, आइडियाज आएंगे, एक्टिविटीज भी आप करेंगे, एक्शंस भी लेंगे, बट ध्यान दीजिएगा कि कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले ले, कुछ अच्छा सोचते सोचते कुछ गलत ना हो जाए, ट्रांसफर्स हो सकती हैं, गलत निर्णय हो सकते हैं, जो भी करें बहुत सोच समझ के ठोक बजा के करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस चीज की संभावना है कि आप कुछ गलत करके फिर अगले साल पछता सकते हैं, क्योंकि अगला साल तो फिर जो है आपका शनि महाराज का आ जाएगा तो वो फिर क्लास ले लेंगे, तो कोशिश करेगा इस साल में ऐसा कुछ ना करें। नेक्स्ट नंबर हमारा, अगर आपका जन्मदिन 5, 14 या 23 किसी भी महीने में आता है तो आपका लकी नंबर हुआ 5। आपके लॉर्ड है बुध, यूनिवर्सल नंबर है ये अंक, और सबके साथ दोस्ती रहती है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और जो है मैनिपुलेटिव होते हैं, वाक्पटुता, जबान के बड़े ही धनी होते हैं, बुद्धि बड़ी तेज होती है, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, ये हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, कोई अच्छा कर रहा है तो वो भी अच्छा करने लगते हैं, कोई गलत कर रहा है तो वो गलत करने लगते हैं, ऐसा कुछ इनकी दोस्ती हो जाती है, थाली के बैंगन है। अब यहां 7 जो केतु है, अब इनके साथ ये फ्रेंडली हो जाएंगे तो क्या होगा, 5 अंक वालों को थाली का बैंगन कहा जाता है, उनका एडजस्टिंग नेचर और दूसरों के रंग में ढलने के कारण वे हर किसी सिचुएशन में हर किसी के साथ उसी की बोली बोलने लगते हैं। 2023 में इन्हें ये ध्यान रखना होगा कि जब किसी पर 100% भरोसा हो तभी ये उस बात को माने, करें, एक्शन लें, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि इनको क्रेडिट कोई नहीं मिलने वाला, फायदा कुछ नहीं होने वाला, नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव है ना, अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस इनको भी फेस करने पड़ सकते हैं, इनसे कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, इनकी इंटेलिजेंस कहीं गलत चल सकती है, जबान से कुछ भी बोलते वक्त इनको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जरा सी जबान है फट से कुछ ना कुछ बोल सकती है, और बुध तो होते ही बहुत मरकरी है, ये तो कुछ भी फट से निकल जाएगा। किसी के साथ कंप्लीटली अटैच नहीं होंगे, ये वैसे भी नहीं होते किसी के साथ कंप्लीटली अटैच, क्योंकि मैनिपुलेटिव होते हैं, तो अब और भी डिटैचमेंट हो जाएगी, जहां पे इनको फायदा दिखेगा ये वहीं पे आगे चलेंगे, अदरवाइज इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, अपने कामकाज में या किसी भी चीज में इनको क्या चाहिए, इनको बहुत ज्यादा सोच विचार चाहिए। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि की, नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अब आपका जन्मदिन अगर किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 या 24 को आता है तो आपका लकी नंबर हुआ 6 और आपके लॉर्ड हुए शुक्र यानी कि वीनस, ऐश्वर्य, लग्जरी, खूबसूरती, पार्टीज, फंक्शंस, लैविश लाइफस्टाइल, शॉपिंग, दिखावा, ब्यूटी, लाइमलाइट, मतलब शुक्र वीनस। अब 6 अंक वालों के लिए 2023 लॉर्ड केतु हैं तो थोड़ा डल रहेगा, अब इनको तो चकाचौन पसंद है, 2023 में इनको कुछ भी चकाचौन नहीं मिलने वाला, सब डल 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 रहेगा,
जहां इनको रेड येलो ग्रीन अच्छा लगता है वहां इनको क्रीम ग्रे ब्राउन कलर देखने पड़ेंगे। अब ये स्पिरिचुअल तो है नहीं, बट केतु जो है इनको ड्रैग करेंगे अपने साथ, इनको जबरदस्ती स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। डिटैचमेंट तो होना ही होना है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर चाहेंगे भी कुछ लाविश खर्च करना तो कहीं ना कहीं इनको बंधन नजर आता है। इनके लिए तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हर किसी से दोस्ती का हाथ मत थामिएगा, गलत हो जाएगा, गलत रिलेशनशिप में आप फंस सकते हैं। शादी भी मत करिएगा इस साल, कोशिश करिए, और मटेरियल वर्ल्ड को तो इस साल इनको अलविदा कहना ही पड़ेगा एक साल के लिए। बड़ी सादगी से इनको रहना पड़ेगा, और जो भी इनका लग्जरीश जो लाइफस्टाइल है आगे किसी साल में करिएगा पूरा, इस साल तो होता नहीं दिखता, ठीक है। और भोग विलास से थोड़ा सा दूर रहेंगे, सादगी भर भरा आपको ये साल बिताना पड़ेगा। तो पहले से ही अपना माइंडसेट इस तरह से बना लीजिए कि आप सेविंग करेंगे। जब आप ये सोचेंगे ना कि सेविंग करेंगे और जब खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा तब इकट्ठा बड़ा बड़ा खर्चा करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, जिनका जन्मदिन 7, 16, 25, 7, 16 या 25 किसी भी महीने में आता है तो उनका लकी नंबर है 7, और 2023 उसका नंबर भी 7। तो केतु तो डबल हो गया, डबल ब्लंडर हो गया। हाँ, मतलब इस साल आप हर मोह माया से दूर रहेंगे, अपने से प्यार करेंगे, अपने पे ही ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रवृत्ति आप अपने अपनाएंगे, आपके अंदर पनपेगी, यात्राएं होंगी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, बहुत जर्नी नजर आती है। कोई भी चीज फॉरएवर तो होती नहीं है, इसलिए अध्ययन करें। आपको क्या करना है इस साल, खूब अध्ययन करें, कोई भी एक जो है एरिया पढ़ लीजिए, पकड़ लीजिए और उसमें अध्ययन करना शुरू करिए। प्रेजेंट में जिए, इस साल को आपको गुजारना है क्योंकि ये साल आपको लोगों से दूर करेगा ही करेगा, डिटैच करेगा ही करेगा। तो मत फील मत करिएगा, वैसे आप फील नहीं करेंगे क्योंकि आपका नेचर ही इस तरह का बन जाएगा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। और बस हर किसी से यही कहना चाहती हूँ, गलत सोहबत में मत पड़िएगा। गलत सोहबत में पड़ गए तो बाद में जाके आपको पछताना पड़ेगा, और हर किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर की तरफ चलते हैं, 8, 17, 26 जिसका भी जन्मदिन आता है किसी भी महीने के, तो उनके लकी नंबर हुआ 8 और उनके लॉर्ड है शनि महाराज सैटर्न। जस्टिस न्यायप्रिय, कर्मों का दंड देने वाले, स्लो एंड स्टडी बड़े धीरे धीरे चलते हैं। इनके लिए 2023 केतु का साल यानी 8 अंक वालों को क्या करना है, अध्ययन एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट ऑकल्ट में इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। साधना भी करेंगे क्योंकि शनि महाराज तो खुद भी एक बहुत बड़े जो है एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, ज्योतिष में उनका काफी विद्वान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केतु के साल में जब दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, लोगों से डिटैच हो जाएंगे तो ये अध्ययन में लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां तो बढ़ेंगी। जो सांसारिक जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उनसे डिटैचमेंट रहेगा, और लाइफ के काम बहुत धीमी गति से चलेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसमें डिलेज आएंगी, ये सबके लिए ही है, बहुत डिलेज हैं। अगले साल जो काम होना है उसमें देरी होगी, ऑटोमेटिकली धीमी गति से होंगे पर होंगे जरूर पूरे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारी आखिरी नंबर 9, 18, 27 जिसका भी जन्मदिन आता है किसी भी महीने की, उसका लकी नंबर होगा मंगल मार्स। अब मार्स मीन्स करेज, सोल्जर, एक्शन, एंगर, और क्या कहते हैं एडवेंचरस, ये करना है वो करना है, बिल्कुल जोश स्ट्रेंथ। अब इनके लिए 2023 सात केतु स्लो कर देगा जी इन्हें, इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी क्योंकि दे आर नॉट फ्रेंड्स। 9 अंक तो बहुत फास्ट होता है, और जो है केतु है वो फास्ट नहीं है, वो उनका तो बिल्कुल डिटैचमेंट वाला हिस्सा है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना किसी मतलब के, इधर उधर जो है दिशाहीन घूमते रहेंगे विदाउट एनी रीजन। तो 9 अंक वाले जो है जल्दबाजी में अपने काम खराब कर सकते हैं क्योंकि इनका नेचर है ना जल्दबाजी,
तो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, काम, डिसीजन गड़बड़ होगा, इसलिए गो स्लो। केयरलेसनेस से कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, लापरवाही से बचे। और जो है इसको जो है ईयर 2023 जो है बहुत ज्यादा इनके काम का नहीं है, यानी कि इनको अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 9 नंबर वालों को बहुत सी मेडिटेशन करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने से पहले मेडिटेट करिए, सोचिए, समझिए, फिर जो है एक्शन लीजिए। बता चुकी हूं 2023 मोटा मोटा बता रही हूं, डिटैचमेंट, लोगों से रिश्तों में दूरी, ट्रांसफर्स, नौकरियों में प्रॉब्लम आएगी, लोग बिना बात के नौकरी चेंज करने की कोशिश करेंगे और मुंह के खाएंगे, नौकरियां छूट सकती हैं, काम चेंज हो सकता है, अच्छी वाली नौकरी चल रही है, दिमाग में आया है बिजनेस करना है, करने चले गए, बिजनेस भी नहीं हुआ, पैसा भी डूब गया, किसी भी काम का रिजल्ट डिले तेज से, अगर आप चाहें तुरंत नहीं होने वाला, इसलिए कोशिश करिए कोई नया काम मत करिए 2023 में। डिटैचमेंट की जगह मेडिटेशन करिए, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा है, चांदी का पानी पीजिए, भैरव बाबा की पूजा करिए, हर संडे को भैरव बाबा को डोक देके जाइए, क्योंकि केतु सिर्फ डरते हैं भैरव बाबा से, अगर कोई केतु को हरा सकता है, उस अगर केतु के दुष्परिणाम से बचना है, मैलेफिक इफेक्ट से बचना है, तो भैरव बाबा की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए और भैरव बाबा के प्रिय डॉग की सेवा करना जरूर शुरू कर दीजिए, डॉग को बेघर नहीं करिए। देखिए अभी खुद देखिए, अभी 2023 अभी शुरू होने वाला है, 6 महीने से डॉग 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 सुनने में आ रहा है, कितना दुख लगता है। अरे जो सड़क पे है उन बेचारों को कुछ खाना दीजिए, शेल्टर दीजिए, पानी दीजिए, और जो घर के डॉग्स हैं वो अपने अपने मास्टर्स के साथ हैं, उनको क्यों घर से निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग को मजल लगाओ, डॉग को ये करो, डॉग को वो करो, समझ लीजिए अगला साल जो इंसान डॉग्स के साथ कोई भी नाइंसाफी करेगा फिर वो खुद भोगेगा, बाकी आप लोग खुद देख लीजिए। बताना मेरा फर्ज था, इसलिए किसी भी जीव जंतु की को तकलीफ नहीं देनी, स्पेशली डॉग को, जितना उसको सेवा करेंगे उतना आपका केतु शांत रहने वाला है, उसकी ब्लेसिंग्स चाहिए, उसका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए जिंदगी में। तो गो वेरी स्लो एंड रिस्पेक्ट द डॉग्स, ठीक है। तो ये था हमारा 2023 के आगाज की तैयारी, शुरू हो गई है, मैंने न्यूमरोलॉजिकली आपको 1 से 9 तक बता दिया है, चांदी पहनना है आपको जरूर से, इस चीज को भी ध्यान रखिए, कलर्स खाकी रंग बहुत अच्छा होता है, खाकी रंग आप पहनिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिल्वर पहनिए, व्हाइट, बेज, ये कलर्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे केतु को नियंत्रण में रखने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें और भी उपाय मैं बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में, और टैरो कार्ड रीडिंग से भी आपके लिए मैं प्रेडिक्शन लाने वाली हूँ हर राशि के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार करिए और अभी के लिए आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, घबराइए नहीं, कोई हवा नहीं है, बस समझ लीजिए डिलेज की बारी आ गई है, काम सारे होंगे, धीरे धीरे होंगे, तो जल्दबाजी में कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, ठीक है। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरा जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और आपके पसंद के, आपके मतलब के, आपके हित के, आपके काम के वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।